हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जो है हम जा रहे हैं दुबई, बल्कि हम दुबई में एंटर हो चुके हैं। ज़ाहिर तो कुछ काम था और साथ हम भी हो लिए क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं गए थे, क्योंकि बॉर्डर की वजह से ज़्यादा आना जाना नहीं कर रहे थे दुबई में, क्योंकि फिर जाते हुए कोविड टेस्ट, आते हुए कोविड टेस्ट, मतलब इन चक्करों से बचने के लिए हम जो है ना स्पेशली बच्चों के साथ हम लोग बहुत अवॉइड कर रहे थे जाना। अब चूंकि बॉर्डर अलहमदिल्ला खुल चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से ज़ाहिर तो कुछ काम भी था और मुझे अबाया भी लेना था, और बहुत टाइम हो गया था मैंने अबाया की शॉपिंग नहीं की थी तो मुझे अबाया लेना था। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी फ़ील हो रही होगी क्योंकि मुझे जो है वो फ्लू है, कफ भी है, और अब तो इतना डर लगता है किसी को बताते हुए भी कि फ्लू हो रहा हो। तो पहला, अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हो तो सबसे पहला काम जो है वो कोविड टेस्ट का होता है। तो खैर ये वायरल है, मैं अपना टेस्ट जो है वो करवा चुकी हूँ। खैर हमारा अचानक से ही प्लान बना था, हमारे अचानक वाले ही प्लान होते हैं। शाम में ही हम लोग निकले हैं, ज़ाहिद को कुछ काम था और फिर हम लोग भी साथ चल दिए। लाइक हम लोग 5 बजे घर से निकले होंगे, और पहुँचते क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही हुआ, ये कि हम लोग जिस दिन गए हैं उस दिन एक्सपो 2020 की जो थी वो ओपनिंग सेरेमनी थी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रश था, हमें पहुँचते बहुत देर हो गई थी। अच्छा, ये है डेरा नाइफ, जगह है दुबई में, और यहाँ पे जो है ना आपको फुल पाकिस्तानी माहौल भी देखने को मिलता है। लाइक बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, हर कल्चर के लोग आपको मिलेंगे, और यहाँ पे जो है चीज़ें भी बहुत सस्ती मिलती हैं। वैसे तो कभी शॉपिंग नहीं की इस एरिया से, लेकिन अबाया जो है वो हम यहीं से लेते हैं क्योंकि बहुत सस्ते और बहुत ही अच्छे अबाया मिल जाते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे अबाया की, जो दुबई में रहने वाले हैं यकीनन उनको पता होगा, बहुत बड़ी मार्केट है, और आपको हर तरह के, हर डिज़ाइन के, हर साइज़ के और हर प्राइस के जो है वो अबाया जो है वो मिल जाते हैं यहाँ पर। और हम लोग अक्सर ही जो मैं अबाया हूँ वो मैं यहीं से लेती हूँ क्योंकि अफोर्डेबल और बहुत प्यारे जो है ना अच्छे अबाए मिल जाते हैं। तो मैंने अंदर की सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी जब मैं मार्केट में एंटर करूंगी, बट ना बहुत ज़्यादा रश था और बच्चे साथ थे, इसलिए मैंने जो है वो वीडियो बनाने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि फिर बच्चों का हाथ आप नहीं छोड़ सकते और वीडियो बनाने के लिए आपको प्रॉपर एक आपका हाथ फ्री चाहिए। तो खैर ये एक शॉप पे गई थी तो मैंने वहाँ पे बस ऐसे ही एक वीडियो बना ली थी। इस शॉप से मैंने अबाए नहीं लिए थे क्योंकि हमारी बात नहीं बन पाई थी, लेकिन वीडियो जो है वो मैंने इसी शॉप में बना लिए थे। मोस्टली जो है वो डिज़ाइंस जो हैं वो मोस्टली शॉप्स में एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ प्राइस का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हर तरह के आपको अबाए मिलेंगे, फैंसी भी, सिंपल भी, और हर तरह के। मुझे पर्सनली जो है वो बहुत सिंपल अबाया पसंद है, बहुत फैंसी अबाया मैं नहीं लेती, सिंपल से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और अपनी खाला जो कि मेरी मदर इन लॉ भी हैं, मेरी सासू माँ हैं, उनके लिए और अपने लिए अबाया ले लिए थे, और मैंने सोचा है कि मैं अब आपको अपने अबाया भी दिखाती हूँ जो मैंने वहाँ से लिए हैं। मैं वहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, इसलिए फिर मैंने घर में आकर ही अपने जो अबाए थे उनकी मैंने वीडियो बना ली कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने अबाए लिए हैं, यकीन आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल साइज़ का, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तीनों जो मैंने अबाए लिए हैं उनका स्टफ़ बिल्कुल डिफरेंट है, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट सा था, और इसके दुपट्टे पे जस्ट साइड पे लाइन एंड पे ही सॉरी एक फ्लावर सा बना हुआ था, बस बाकी बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है। और इसका जो अबाया है ओपन अबाया है, बटन है आगे लगे हुए, और इस पर जो काम है वो सिर्फ इसके बॉर्डर पे ही थोड़ा थोड़ा काम हुआ हुआ है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मोती वगैरह जो बहुत ज़्यादा होते हैं ना ये निकल जाते हैं, फिर एक भी अगर आपका निकल जाए ना तो वो अच्छे नहीं लगता है अबाया। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना सिंपल हो सके ना मैं उतना अबाया लूँ। तो ये तीनों जो अबाए हैं मेरे वो ज़ाहिद ने पसंद किए थे, मैंने नहीं, ज़ाहिद ने ही पसंद किए हैं, और खैर मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो इसके भी ना बॉर्डर पे जस्ट काम हुआ हुआ है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी, और थोड़ा सा ही जो है ना उसके बाजू पे काम हुआ हुआ है, बाकी बिल्कुल सिंपल है, गला इसका बिल्कुल सादा है, और इस पर बटन लगे हुए। और इसी तरह से दूसरा जो अबाया है
उसका भी वो बहुत लाइट है, मुझे उस वक्त नहीं पता चला था कि इतना लाइट है, मैंने नॉर्मली मैं बहुत लाइट कपड़े का अबाया नहीं लेती हूँ, लेकिन ये इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत, सबसे प्यारा डिज़ाइन मुझे इसी का लगा, और सबसे जो लाइट कपड़ा है वो इसी का है। लाइक अगर आप कुछ पहनोगे नीचे तो वो सब दिखेगा, तो फिर आपको जो है वो कुछ भी पहन के अबाया नहीं पहनना है, आपने अच्छे कपड़े पहन के अबाया पहने। नॉर्मली होते हैं ना कि हम कुछ भी नीचे पहने हुए होते हैं, तो उसी हालत में ऊपर अबाया पहन लिया और चल दिए, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर ड्रेसिंग करनी होगी और तभी आप अबाया जो है वो कैरी कर सकते हैं। इसका कपड़ा बहुत लाइट है, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बिना बॉर्डर पे ही काम हुआ हुआ है, और बाकी जो है इसका भी दुपट्टा बिल्कुल सिंपल है, और साथ में इसको टाइट करने के लिए भी ना एक बेल्ट सा दिया हुआ है अगर आप इसको टाइट करना चाहते हैं, लेकिन मेरे साइज़ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और ये भी फ्रंट ओपन है, मैंने सारे ही फ्रंट ओपन लिए हैं, मुझे ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं वो, और ये भी ना बहुत अच्छा है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है दिखेगा इसमें। अच्छा बस, तो ये सेकंड अबाया है, उसके बाद जो है वो मैंने थर्ड तीन अबाए ही लिए हैं। तीसरा अबाया जो है वो उसका भी जो दुपट्टा है वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसका जो कपड़ा है ना वो काफ़ी मोटा है, काफ़ी नहीं बोल सकती, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दोनों अबाए से थोड़ा सा मोटा है, तो आगे अच्छा है, सर्दियाँ आ रही हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा, और वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी तो होती नहीं है, तो इस हिसाब से अच्छा रहेगा। और जो इसका दुपट्टा है वो भी सेम प्लेन दुपट्टा है, दुपट्टे पे बिल्कुल काम नहीं हुआ, और अच्छा है, बल्कि अगर दुपट्टों पे काम हुआ होता है ना तो उनको जब आप लेते हो ना तो वो एक साइड पे ना वो लटक सा जाता है, अगर एक बॉर्डर पे काम हुआ हो तो, मुझे सिंपल ही अच्छे लगते हैं दुपट्टे। अच्छा, इस पर जो है वो वाइट कलर का थोड़ा सा काम हुआ हुआ है, मोती हैं वाइट कलर के। अच्छा, ये जो हैंग करना है ना, ये मुझे लास्ट में मुझे ख्याल मुझे नहीं आया, बल्कि मेरी खाला ने कहा कि हैंग करके दिखा दो तो इजीली दिखा पाओगी, ऐसे मुझसे तो दिखाया भी नहीं जा रहा था सही से, तो लास्ट में जो ये अब आया था फिर मैंने इसको हैंग करके दिखा दिया कि आप लोगों को इस अच्छे से जो है वो दिख जाए। ये बस मेरे अब आए हैं। अच्छा, खाला को बहुत ही सिंपल अब आया अच्छे लगते हैं, वो कहती हैं कि उस पर इतना सा भी काम ना हुआ हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल प्लेन अबाया ढूंढना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम ज़रूर हुआ होता है। इसके भी जस्ट बाजू पे काम हुए हुए हैं बस, बाकी गला भी प्लेन है और दुपट्टा भी और पूरा अबाया भी प्लेन है और बंद अबाया है, उनको बंद अबाया पसंद है। और इसके अलावा जो दूसरा अबाया है उस पर भी थोड़ा सा काम हुआ हुआ है फ्रंट पे, गले पे, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा कि बिल्कुल प्लेन मिल जाए, लेकिन बिल्कुल प्लेन जो है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसके भी हल्का सा काम हुआ हुआ है, प्लेन दुपट्टा है इसका और थोड़ा सा काम हुआ हुआ है। अच्छा, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके अपनी राय का इजहार तो ज़रूर किया करें। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा हमें और हमारे बच्चों को भी, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।